जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं मॉस एंड सो। ठीक है, मॉस एंड सो में आपको पढ़ाने से पहले पिछले डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख लेंगे पिछला वीडियो। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको हमारे सर हैं मुकेश। ठीक है, मुकेश सर से आप मिल लीजिए, आपको अदर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हमारे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि संदीप सर ने कुछ बताया है कि आपको कुछ हम वीडियो अपलोड करेंगे, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी मैथ की जो बेसिक चीज़ हैं, जो मैथ में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में हुआ, तैयारी के लिए हुआ, और सब एक्सरसाइज की बात करती है, सब चीज़ आपको हम बताएंगे। और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात किया जाए तो वो सब्जेक्ट हम ही पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो पर बिना देरी किए आते हैं वीडियो। मॉस एंड सो, जैसे कि आज का टॉपिक है आपका प्रत्याशा का सीमा, यानी प्रत्याशा सीमा किसके कहते हैं। ठीक, प्रत्याशा सीमा यानी इलास्टिक लिमिट किसे कहते हैं। जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स कार्य करता है, किसी भी बॉडी पर कोई भी फोर्स कार्य करता है, तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, या उसके आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जैसे ही फोर्स हटाने पर वह अपनी बॉडी को प्रारंभिक अवस्था यानी पुनः अपनी ही अवस्था में आ जाता है, उसी को हम कहते हैं प्रत्यास्थता का सीमा। ठीक, जैसे कि अगर हम कोई आप ले लें तो बॉल देखें, बॉल को अगर हम फोर्स लगाते हैं तो बैंड हो जाती है, यानी दब जाती है। ठीक, दबने के कारण पुनः हम उस फोर्स को हटाते हैं तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। ठीक, उसी को हम कहते हैं इलास्टिक। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक है आपका हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के बारे में इसे कैसे जानते हैं वो आप पढ़ते हैं। हुक्स लॉ होता क्या है, प्रत्याशा सीमा के अंदर प्रतिबल, प्रत्याशा सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति की क्या होती है, समान पाती होती है। जैसे कि हम क्या था, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही होती है ना। अब यहाँ पर तब सोचने वाली बात यह होती, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी प्रोपोर्शनल के चिन्ह हटाएंगे ना, हटाने से पहले क्या होती है आपका, यहाँ पी इज इक्वल टू ई। अब इसके जगह पर लिखा क्या जाए, इसके जगह बोलता है कैपिटल ई, यही होती है पी इज इक्वल टू ई इंटू स्मॉल। अब देखिए यहाँ पर ये होती है स्मॉल, कैपिटल ई इज इक्वल टू होती है आपकी पी अपॉन स्मॉल, यही होती है क्या होती है हुक्स लॉ। अब देखिए यहाँ पर घूड़ा है, दुनिया तो सभी लोग जानते हैं कि घूड़ा है, इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, है ये तो भाग तो हो ही गया है ना। अब देखिए, अब इसके बारे में सोचना ये है कि इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये बात होती है। अब यहाँ देखिए कैपिटल ई का करते हैं स्मॉल ई के का करते हैं और बी भाई साहब इसको क्या कहते हैं। ठीक, अब देखिए कैपिटल ई करते हैं प्रत्याशा का, तो गुणांक करते हैं, यहाँ पर क्या हो गया आपका प्रत्याशा गुणांक। और भाई छोटका बात, ये छोटका का कहने जाला, इसको कहते हैं विकृति, इसे क्या कहते हैं हम विकृति बोलते हैं। अब ये पी, पी भाई साहब आ गए, पी भाई साहब को कहते हैं क्या कहते हैं प्रति बल, क्योंकि यहाँ प्रतिबल क्या होती है इसके समानुपाती होती है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होती है प्रति बल, इतना तो सभी लोग को आ गया। अब देखिए प्रतिबल हो गए, ठीक, अब इसके बारे में कुछ जाने के, इसका तीन गो भैवा होता है, क्या होता है तीन गो भैवा होता है। पहला क्या होता है यंग मॉडुलस होता है, ठीक, यानी यंग मापांक होता है। दूसरा क्या होता है आयतनात्मक मापांक होता है, और तीसरा जो है उसको कहते हैं कर्तन मापांक। लिख देते हैं, नहीं समझ आ रहा तो हम लिख देते हैं। पहला आपका क्या है, पहला क्या है आपका यंग, दूसरा क्या बोले हम आयतनात्मक बोले ना, अभी गंदा होगा ना तीन रुपये और तीसरा क्या बोले हम कर्तन। अब इतना समझ गए तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पूरा का डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अब चलिए।